नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का पैडिंग का सीट कवर कैसे बनता है, आज आप लोगों को बताते हैं पैडिंग का सीट कवर कैसे बनता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो ये हमारे पास पट्टी था, उसको हम पहले साइड में रख लिए हैं। उसके बाद हम अब जो भी हमारे पास पीस है उसको सबसे पहले कोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से अच्छी टाइट से कोल्डिंग कर लेंगे। पहले जो पीस है हमारे पास उसको पहले हम कोल्डिंग अच्छी तरीका से कर लेंगे, ताकि उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब ये रहा हमारा साइडर, और ये साइडर में हमको ऊपर से एक्स्ट्रा दो फोम लगाए हुए हैं। इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि हमारे पास एक मोटा फोम नहीं है, इसलिए डबल फोम का हम यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों के पास एक फोम है तो उसको ईजिली मोटा वाला फोम लगा लीजिए। और सबसे पहले आपको डिज़ाइन जो कटा रहेगा उस पर आपको एक छोटा सा 2 इंच का या एक इंच का पट्टी आपको घुमाना पड़ेगा, 1.5 इंच का पट्टी। आप जितना हाइट देना चाहते हैं उस प्रकार से उतना मोटा पट्टी आप घुमा लीजिए। और घुमाने के बाद उसके ऊपर से एक सिलाई मार लीजिए। सिलाई मारने के बाद उसमें फिनिशिंग आ जाएगा, ताकि वो अच्छा से बैठेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से अब ये हमारा साइडर हो गया। अब इसके ऊपर से ईजिली घुमा देंगे हम लोग। देखिए, किस जैसे कि हम डिज़ाइन घुमाते हैं उसी प्रकार से उतना दबाव लेकर के घुमाएंगे। देखिए, जैसे इस प्रकार से। आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए, पूरा देखिए, ताकि समझ में आएगा कि पैडिंग का सीट कवर कैसे बनता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आपके पास ऐसा, अगर साइडर में पाइपिंग भी डाल सकते हैं, अगर कस्टमर का डिमांड है तो इसमें हाइट भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ऐसा ही बनता है, लेकिन डालने वाला पाइपिंग भी डाल देता है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आप फोम को अंदर डाल के ऊपर से आप कुछ इस प्रकार से सिलाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिलाई होता है। ये साइडर है, आप देखिए इस प्रकार से अच्छी प्रकार से कोल्डिंग कर लीजिए। और दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो सीखना चाहते हैं, उनको भी हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इस वीडियो का फ़ायदा उठाए, सीखें। देखिए, ये है हमारा साइडर। देखिए कितना फिनिशिंग है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है। अब इसको छटिंग कर लेंगे अच्छी प्रकार से, और उसके बाद आपको आगे वीडियो बता रहे हैं। देखिए, ये छटिंग हो गया है लगभग। ये देखिए, ये हमारा साइडर हो गया। देखिए कितना बढ़िया इसमें गद्दा मिल गया है, एकदम बढ़िया सा फोम है, गद्दा टाइप है। हाँ, तो ये रहा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यही रहता है, सेंटर रहता है, जो प्रिंट रहता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, और उसको इसमें ज्वाइंट करना पड़ता है। जैसे कि लस्टर हम लोग ज्वाइंट करते हैं, उसी प्रकार से इसको भी ज्वाइंट करके ऊपर सिलाई मारना पड़ता है। जैसे जो बीच में हम लोग लस्टर ज्वाइंट करते हैं, एक पट्टी ज्वाइंट करते हैं, उसी प्रकार से बीच में ज्वाइंट करके इसको सिलाई मारना पड़ता है। इस प्रकार से देखिए, आप इसी प्रकार से पैडिंग वाला सीट कवर बना सकते हैं। और भी एक दो प्रकार से और बनता है पैडिंग, लेकिन ये है जो, ये सिंपल है, सिंपल तरीका है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। और टाइम तो लगता ही है, तो आप लोग आराम से इसी प्रकार से बनाइए। देखिए, ऐसे करके सिलाई मारना है, इस प्रकार से सिलाई लगेगा। और इधर से भी हमारा एक पीस ज्वाइंट होगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। वीडियो को अच्छा से देखिए, ताकि समझ में आए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा समझाने का तरीका है हमारा। देखिए, इस प्रकार से ज्वाइंट करके, और इस पर भी ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, इसके ऊपर से भी सिलाई लग जाएगा। देखिए, इस प्रकार से सिलाई लगाएं, इस प्रकार से सिलाई होता है पैडिंग का सीट कवर का। अभी और आगे देखिए, इसको स्पीड करके नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये समझने वाला बात है, और स्पीड कर देंगे तो इसमें समझ में नहीं आएगा। देखिए, अब इधर साइड में स्पीड है जो, इसको ज्वाइंट वाली ज्वाइंट करना है, और सेम उसी प्रकार से आपको सिलाई मारना होगा। देखिए इस प्रकार से, और ये साइड पर भी इसी प्रकार से सिलाई लगना है। देखिए, ये हमारा लगभग पैडिंग ये तैयार हो गया है। और इसके ऊपर, इसके नीचे एक फोम लगेगा। देखिए, ये एक छोटा सा फोम है, इसके पूरा जितना प्रिंट है हमारा उसके हिसाब से फोम लगेगा। और ऊपर से 2 स्टिचिंग पड़ेगा, 2 सिलाई पड़ेगा, ताकि इसमें थोड़ा सा हाइट और बकट टाइप मिलेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, आप वीडियो को ईजीली देखिए किस प्रकार से पैडिंग का सीट बनता है। देखिए, बहुत बारीकी का काम होता है इसमें, इसलिए थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, और थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए, इस प्रकार से सिलाई कीजिए,
देखिए इस पर एक और सिलाई लगेगा, जो नीचे लगेगा एक और सिलाई, देखिए इस प्रकार से दो ही सिलाई लगेगा। फ्रंट जो बैग रहता है उसमें दो सिलाई लगता है और जो सीट रहता है उसमें एक ही सिलाई लगता है, क्योंकि बैग का प्रिंट थोड़ा बड़ा रहता है और उसका छोटा रहता है, इसलिए ऐसा रहता है। और ये धागा को नीचे खींच करके बांधना पड़ता है। तो देखिए अभी देखिए ये ऊपर का माथा है जो हमने ज्वाइंट कर लिया है, देखिए इस प्रकार से। अब ये रहा हमारा साइडर, अब साइडर को ज्वाइंट करेंगे। आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिए, ये स्लो वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा दो तीन फोम पड़ गया तो यहाँ पे मोटा हो गया, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे इसको ज्वाइंट करना पड़ता है। और ये पट्टी पे ज्वाइंट करना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, और एक इधर भी ज्वाइंट होगा। ये रहा पैडिंग का सीट कवर, इसी प्रकार से पैडिंग का सीट कवर बनता है। आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, 8 मिनट का वीडियो है। 8 मिनट के वीडियो में आप लोग पैडिंग वाला सीट समझ रहे हैं। तो देखिए ये रहा पैडिंग का सीट, इसी को बोलते हैं पैडिंग वाला सीट कवर। देखिए ये तरीका से बनता है पैडिंग का सीट कवर। इसमें और भी वैरायटी का पैडिंग होता है, लेकिन लगभग सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला पैडिंग यही है। और भी वैरायटी का पैडिंग बनता है, लेकिन लगभग में सबसे ज़्यादा यही ऐसा ही पैडिंग चलता है। आप साइडर में आप पाइपिंग भी दे सकते हैं, लेकिन पाइपिंग ज़्यादा नहीं रहता है। तो देखिए इस प्रकार से पैडिंग का सीट कवर बनता है, देखिए बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर जो बॉर्डर है उसको हम घुमा करके ये घूमेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कितना बढ़िया है। ये देखिए फिलहाल, ये देखिए इतना हाइट है। सोफ़ा सीट डायरेक्ट जो पीस होता है वो सोफ़ा सीट हो जाता है, और बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। सीट कवर से जुड़े वीडियो लाते रहते हैं। और ये रहा ऊपर का बॉर्डर है, ये देखिए पक्का है, और इसको पक्का को इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद इसके नीचे जो भी पीस है उसमें गोट लगा देंगे, गोट लगाने से ये मजबूत हो जाता है और फिटिंग करने के वक्त ये फटता नहीं है। तो कुछ इसीलिए हम लोग गोट लगा देते हैं ये सब सीट कवर में, ताकि ये ज़्यादा दिन तक ये रहे और अच्छी प्रकार से रहे। तो देखिए दोस्तों फाइनली ये हमारा सीट लगभग में तैयार हो गया है। अब इसके पीछे एक पॉकेट घुमा देंगे और ये फिटिंग करने लायक हो गया है। तो देखिए वीडियो कुछ इस प्रकार से पैडिंग का सीट कवर बनता है, इसी प्रकार से पैडिंग का सीट कवर बनता है, और बहुत बेस्ट बना है और लगभग में आप लोगों का समझ में आ गया होगा जो कैसे पैडिंग का सीट कवर बनता है। तो आप लोग जो सीखना चाहते हैं, जो आपके नज़दीकी वाला होगा जो सीखना चाहते हैं, उसको भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सीखें और आप भी सीखिए बढ़िया से। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिए। देखिए तो देखिए लुक कैसा लगा ये काम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।